ओवैसी के खिलाफ सड़कों पर लोग, AIMIM चीफ के घर पर जोरदार हमला, लोगों ने नेम प्लेट पर पोती कालिख, सांसद पद से हटाने की मांग तेज। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह से फंस चुके हैं। पूरे देश में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। देश का हर शख्स उनके करतूत पर थूक रहा है, साथ ही उनकी संसद सदस्यता भंग करने की मांग जोर पकड़ चुकी है, जिससे कयास लग रहे हैं कि ओवैसी अपनी संसद सदस्यता से हाथ धो सकते हैं। वैसे भी उन्होंने जो काम किया है उसके बाद उन्हें संसद में रहने का कोई हक नहीं है। इधर इंदौर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद से सांसद और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विजयनगर चौराहे पर ओवैसी का पुतला भी जलाया। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ओवैसी का पुतला जलाते हुए चेतावनी दी है कि भारत में रहते हुए जो सांसद भारत माता की जय नहीं बोल सकता, वो जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है, ऐसे शख्स का मुंह काला किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ओवैसी जब भी इंदौर आएंगे इस गलती पर उनका मुंह काला करके उनका विरोध किया जाएगा। वहीं ओवैसी के इस कांड के बाद दिल्ली के एडवोकेट विनीत जिंदल ने फिलिस्तीन के लिए निष्ठा दिखाने पर ओवैसी को अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्य ठहराए जाने की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ओवैसी की लोकसभा की सदस्यता शून्य करने की मांग की है और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी समेत विभिन्न दलों के नेता ओवैसी का विरोध कर रहे हैं। इस मामले में ओवैसी बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद से लोकसभा सांसद और ऑल इंडिया मजलिसे इताहेदुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सांसद के रूप में शपथ लेने के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाया था। संसद में ओवैसी के नारे के बाद हंगामा मचा, जिसके बाद इस मुद्दे पर विवाद बढ़ता चला गया। उनकी संसद सदस्यता रद्द किए जाने की मांग भी तेज हो गई है। इस बीच वकील हरिशंकर जैन ने संसद सदस्यता खत्म करने को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत कर दी है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस ओवैसी ने कभी कहा था कि चाहे जो कर लो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, उसी ओवैसी ने भारत की संसद में सांसद की शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। भारत माता से परहेज तो फिलिस्तीन की जय से क्या संदेश देना चाहते हैं ओवैसी? क्या ओवैसी गाजा से सांसद हैं? फिलिस्तीन का जयकारा लगा के ओवैसी ने अपनी असलियत दिखाई है। हर तरफ ओवैसी का विरोध और तेज हो गया है, उनकी संसद सदस्यता भी खतरे में पड़ चुकी है। विवाद बढ़ने के बाद ओवैसी ने सफाई जरूर दी है। ओवैसी ने कहा है कि उन्होंने सदन में कुछ भी गलत नहीं कहा, जिसे ओवैसी की मंशा को समझा जा सकता है। अपने घर पर हुए हमले को लेकर भी ओवैसी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि AIMIM चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली के घर पर काली स्याही से हमला किया गया है और उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर की नेम प्लेट पर कालिख पोत दी। ओवैसी ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की कायराना हरकतों से नहीं डरता। उन्होंने इस मामले की जानकारी ना दिल्ली पुलिस को दी है और ऑल इंडिया मजलिसे इताहेदुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने घर पर हुए हमले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर 10 से 12 बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के पास हमारा घर है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, बहुत अफसोस की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि DGCA इस मामले में संज्ञान लेगा। आपको बता दें कि गुरुवार रात AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया था कि उनके घर पर कुछ लोगों ने हमला किया है और इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उनका कहना था कि एक अनजान शख्स ने उनके घर पर काली स्याही फेंकी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। AIMIM चीफ ने एक्स पर लिखा था, आज कुछ अज्ञात बदमाशों ने मेरे घर पर काली स्याही फेंकी, अब मैं गिनती भूल गया हूं कि मेरे दिल्ली स्थित घर को कितनी बार निशाना बनाया गया। जब मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि उनकी नाक के नीचे यह सब कैसे हो रहा है, तो उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की। तो असदुद्दीन ओवैसी ने इस हमले के बाद गृहमंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अमित शाह, ये सब आपकी निगरानी में हो रहा है,
ओम बिरला, कृपया हमें बताएं कि सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। मेरे घर को निशाना बनाने वाले दो कोड़ी के गुंडों से इससे मुझे डर नहीं लगता। सावरकर जैसी कायरतापूर्ण हरकतें बंद करो और मेरा सामना करने के लिए हिम्मत जुटाओ। स्याही फेंकने या पत्थर फेंकने के बाद भाग मत जाना। वैसे जिन लोगों ने ओवैसी के घर को निशाना बनाया है उनका वीडियो भी सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वो ये मान रहे हैं कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर इस हरकत के लिए कहा है कि ये हमने ही किया है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। भाई ये काम हमने करा है और देश के जितने भी यूथ हैं 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। देश में हमें एमएलए एमपी पार्षद ये सब ऐसे नीचे नेता है तो भारत माता की जय ना बोले, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओबीसी हो गए, ओबीसी के ऊपर। तो ओबीसी ने जिस तरह से संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया उसकी भारी कीमत अब उन्हें चुकानी होगी, क्योंकि हिंदू संगठनों के साथ साथ आम लोग भी उनके खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं और ये मांग तेज हो चुकी है कि अब उन्हें सांसद के पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। वैसे भी ओवैसी ने देश की संसद में फिलिस्तीन का जयकारा लगाकर अपनी वफादारी जाहिर कर दी है। ओवैसी जिस देश का नमक खा रहे हैं, जिस देश की संसद में खड़े हैं, उसके लिए मुंह से एक जयकारा तक नहीं निकल सकता, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर इनका दर्द संसद में सामने आ जाता है। वैसे ये वही लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ओवैसी जैसे लोग अपने समाज और देश के नाम पर कलंक से कम नहीं है। इन्हीं की वजह से मुस्लिम समाज बदनाम होता है। चौतरफा घिरे ओवैसी पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में जो जय फिलिस्तीन का नारा दिया वो बिल्कुल गलत है, ये सदन के नियमों के खिलाफ है। वो भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं कहते। लोगों को समझना चाहिए कि वो देश में रहकर असंवैधानिक काम करते हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा फिलिस्तीन या किसी अन्य देश से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। शपथ लेते वक्त क्या किसी सदस्य के लिए दूसरे देश की तारीफ में नारा लगाना ठीक है? हमें नियमों की जांच करनी होगी, क्या ये सही है? इधर बीजेपी सांसद बिप्लव कुमार देव ने कहा कि फिलिस्तीन हो या कोई और देश, सबके भारत से अच्छे संबंध है। सवाल यह है कि शपथ लेते वक्त वो फिलिस्तीन जिंदाबाद कह सकते हैं या नहीं। भारत माता जिंदाबाद कहने की बजाय वो दूसरे देश का जिंदाबाद कर रहे हैं, इस पर विपक्ष खामोश है। जब मैंने शपथ लेने से पहले नमस्ते कहा तो ओवैसी ने विरोध करना शुरू कर दिया कि ये संविधान विरोधी शब्द है। वहीं बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा है कि फिलिस्तीन विदेश में है जिसका किसी भी भारतीय नागरिक या भारतीय संविधान से कोई वास्ता नहीं है। भारतीय संविधान के कलम 102 के अनुसार कोई भी संसद सदस्य दूसरे किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी निष्ठा या दृढ़ता अगर प्रदर्शित करता है या उसके द्वारा ऐसा कृत्य होता है तो उसकी संसद सदस्यता खारिज की जा सकती है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण के फौरन बाद जय फिलिस्तीन का नारा देकर इस राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा, दृढ़ता और लगाव पेश किया है जो कि संविधान का उल्लंघन है। यह बहुत गंभीर मामला है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। अमरावती सीट से बीजेपी उम्मीदवार रही नवनीत राणा ने कहा कि देश की एकता अखंडता साबित करना यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। संसद सदस्य होने के बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात का सरेआम उल्लंघन किया है जो एक तरह का राष्ट्रद्रोह है। इन कारणों से छिन सकती है ओवैसी की संसद सदस्यता। अगर कोई संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुन लिया जाए उसे एक तय समय में किसी एक सदन की सदस्यता छोड़नी होती है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो संविधान के अनुच्छेद 101 में संसद को अधिकार है कि उसे एक सदन या दोनों सदनों की सदस्यता छीन ले। कोई भी संसद और विधानसभा का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता, उसे एक पद से इस्तीफा देना ही होता है। अगर वो एक निश्चित वक्त के अंदर दोनों में से एक सदस्यता नहीं त्यागता है तो उसकी संसद सदस्यता छीनी जा सकती है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिना इजाजत अगर संसद की बैठकों में कार्रवाई में 60 दिनों तक गैर हाजिर रहता है तो उसकी सीट को खाली घोषित किया जा सकता है, यानी उसकी सदस्यता खत्म मान ली जाती है और इन 60 दिनों में उन दिनों को नहीं गिना जाता जिस दौरान सत्र 4 से अधिक दिनों तक स्थगित हो या सत्रावासन हो गया हो। संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक अगर कोई सदस्य सरकार में लाभ के पद पर है तो उसकी संसद सदस्यता चली जाती है। सिर्फ उस पद पर बने रहने पर वो अयोग्य घोषित नहीं होगा। जिस पद पर सांसदों का बना रहना किसी कानून के तहत उसे अयोग्य नहीं ठहराता, वहां से वेतन, भत्ते और दूसरे सरकारी
फायदे लेने पर मनाही है। अगर कोई सांसद किसी अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाए तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। अगर कोई दिवालिया घोषित है तो भी उसकी संसद सदस्यता छीनी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक ना हो या फिर वो किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक अगर वो किसी और देश के प्रति निष्ठा जताता है तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। ओवैसी के मामले में भी यही दावा किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा जाहिर की है, इसलिए संसदीय कानून के मुताबिक उनकी सदस्यता जा सकती है। इसके अलावा दल बदलने पर भी, पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करने पर और 2 या इससे अधिक साल की सजा होने पर भी संसद की सदस्यता चली जाती है। किसी सांसद ने अपने चुनावी हलफनामे में कोई गलत जानकारी दी है या फिर वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करता है तो भी उसकी सदस्यता चली जाती है। यानी यहां पर उन्होंने जिस तरह से फिलिस्तीन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है तो ओवैसी की सदस्यता जा सकती है। और इसके लेकर यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास कई शिकायतें पहुंच चुकी हैं। बीजेपी के साथ साथ और दूसरे दल भी ओवैसी की इस हरकत का विरोध कर रहे हैं जो उन्होंने संसद में की है। यानी ओवैसी पूरी तरह से घिर चुके हैं और अब उन्हें संसद की जो सदस्यता है वो उनकी जा सकती है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।